नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज नेटवर्क। हमेशा की तरह आज भी हम शोबिज की दुनिया से कुछ नया लेकर आए हैं। तो जी नाज़रीन, आज बात होगी शोबिज में होने वाली लड़ाइयों पर। नंबर वन, एजिका डैनियल और सना जावेद। हाल ही में ड्रामा डंक इख्तिताम को पहुंचा और तमाम अदाकारों ने साबित किया कि ड्रामे को हकीकत के करीब कैसे लाया जा सकता है। सब अदाकारों ने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। ड्रामा खत्म होने के बाद एजिका डैनियल ने अपनी तस्वीर टीम के साथ बतौर ग्रुप शेयर की, लेकिन सना जावेद इस तस्वीर में कहीं नहीं थी। किसी ने तबसरा किया कि सना जावेद जो ड्रामे की हीरोइन थी, आपने उन्हें ग्रुप में शामिल नहीं किया। एजिका ने अजीब तरह जवाब दिया कि कुछ लोग किसी को इतना अहम नहीं समझते कि वो उनके साथ तस्वीर या वीडियो बनाए, और जब आप कोई वाक्या पूरा नहीं जानते तो अपनी नफरत को एक तरफ रखें और अपना मुंह बंद करें। एजिका की नापसंदीदगी से तो लगता है कि एजिका और सना जावेद के दरमियान कुछ अजीब चल रहा है, और उनके कमेंट्स बॉक्स में जिक्र ने भी उन्हें आग बगोला कर दिया। नंबर टू, खलीलुर रहमान कमर और माहिरा खान। खलीलुर रहमान कमर भी कई लोगों से लड़ते रहते हैं, लेकिन गुज़श्ता कुछ दिनों में माहिरा खान की एक तस्वीर देखने के बाद उन्होंने एक शो में कहा कि उन्हें अफसोस है कि वो मेरे ड्रामे की हीरोइन है। खलीलुर रहमान कमर ने अपनी जिंदगी के बारे में जो ड्रामा बनाया, उसमें मॉडल अदनान और माहिरा खान की एक जोड़ी थी, जिस पर उन्हें अफसोस है और वो माहिरा खान को बिल्कुल पसंद नहीं करते। नंबर थ्री, आयशा खान और हमायमा मलिक। नाज़रीन, कुछ अरसा पहले आयशा खान ने एक शो में हमायमा मलिक का जिक्र यूं किया जैसे वो हमायमा मलिक को पसंद नहीं करती। जब एक शो में हमायमा मलिक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आयशा को अटेंशन मिलेगी अगर मैं इसका जिक्र करूं। अब हर कोई इस बात से बेखबर है कि ये झगड़ा असल में किस चीज का है। तो जी नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।